फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। सामने देख सकते हैं मुंबई सेंट्रल काठगोदाम सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के यार्ड से गुजर रही है। इस वीडियो को कमल भाई ने शूट करके हमें भेजा है। कमल भाई आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। तो मुंबई से काठगोदाम के बीच में जहाँ तक मेरा ख्याल है पहली बार कोई ट्रेन संचालित की जा रही है, क्योंकि पिछले 3 साल से मैंने कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं देखी जो काठगोदाम से मुंबई के बीच में चली हो। डीजल लोको से इसे इसलिए संचालित किया जा रहा है क्योंकि अभी लालकुआ से काठगोदाम के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, ड्रॉप आर्म्स लगा लिए गए हैं लेकिन अभी ब्रेक जो वायरिंग का काम है वो बचा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रूट है वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये ट्रेन जब मुंबई सेंट्रल से चलती है तो रतलाम कोटा मथुरा अशनेरा होते हुए आती है। कासगंज में इसका लोको चेंज किया जाता है। जब ये मुंबई से आती है तो कासगंज में डीजल लोको लगाया जाता है और जब ये काठगोदाम से मुंबई की तरफ जाएगी तो वहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक लोको लगाया जाएगा। तो पहली झलक हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, उत्कृष्ट टाइप के कोचेज इसमें लगे हुए हैं एक झलक। और आने वाले समय में हो सकता है कि अगर इसके जो ये 9 ट्रिप्स हैं सफलतापूर्वक चलती है, ट्रेन में भीड़ रहती है तो इसको रेगुलर भी किया जा सकता है काठगोदाम से मुंबई के बीच में। फिलहाल ये 9 ट्रिप के लिए चलाई जा रही है, यानी कि इसकी जो आखिरी ट्रिप है काठगोदाम से वो 16 जून 2022 को चलेगी। इसके अलावा कई लोगों ने मांग भी की है कि इसको बाई वीकली चलाया जाए, सप्ताह में 2 बार चले तो एक बार काठगोदाम से और एक बार टनकपुर से। तो ये थी एक छोटी सी झलक मुंबई सेंट्रल काठगोदाम सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के यार्ड से। और ये रही वो कटिंग जिसमें लिखा हुआ है कि किस किस तारीख में ये ट्रेन संचालित की जाएगी साप्ताहिक। 16 जून 2022 को ये काठगोदाम से मुंबई के लिए आखिरी बार रवाना होगी और उसके बाद देखना होगा इसके संचालन की अवधि में विस्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि नैनीताल एक पर्यटक स्थल है और देश विदेश से ही यहाँ पर बहुत से लोग घूमने आते हैं, खास तौर से गर्मियों के मौसम में भी और जाड़ों के मौसम में भी, क्योंकि जाड़ों के मौसम में स्नोफॉल होता है, गर्मियों के मौसम में लोग यहाँ पर ठंड का मज़ा लेने आते हैं। ये रही समय सारणी, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से इसको ट्राई वीकली चलाना चाहिए, 2 बार काठगोदाम से और 1 बार टनकपुर से। और काठगोदाम से 2 बार इसलिए क्योंकि एक बार तो इसका जो रूट हो वो लालकुआं से किच्छा बरेली होते हुए जाए, दूसरी बार जब ये काठगोदाम से चले तो काठगोदाम लालकुआं रामपुर मुरादाबाद होते हुए ये हज़रत निजामुद्दीन होते हुए इसको मुंबई सेंट्रल तक चलाया जाए, जिससे कि मुरादाबाद के निवासियों को भी मुंबई के लिए एक ट्रेन की सुविधा का लाभ मिल सके, क्योंकि मुरादाबाद से कोई भी मुंबई के लिए ट्रेन नहीं है। और एक ट्रेन मिलने से कम मुरादाबाद रुद्रपुर रामपुर के निवासियों को भी एक ट्रेन का लाभ मिल सकेगा मुंबई के लिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।